अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहम नासिर है और मेरे साथ हम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं इन नेशनल इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर और ये इस्लामाबाद में 2017 का एक प्राइवेट सोसाइटी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमें वर्मिको कंपोस्टिंग फैसिलिटी भी दिखाई है सर, और वेजिटेबल ग्रोन एरिया भी दिखाया है, और उसके बाद स्टीविया भी वो ग्रो कर रहे हैं, और बेसिकली कंपोस्ट प्लांट भी मुख्तलिफ लगाए हुए हैं कंपोस्टिंग बिन्स के थ्रू, और वो सॉलिड वेस्ट जो जनरेट मैनेज कर रहे हैं वो पूरी 2017 के तकरीबन जो हाउसेज हैं सारे उन सब से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। और यहाँ कचरे से फर्टिलाइज़र बनाया जा रहा है जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत बेहतर है, और उसकी एक्चुअली प्राइस और कीमत भी केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत कम होती है जो कि वास्तली यूज़ किया जा सकता है। अपेरेंटली इस्लामाबाद का या पाकिस्तान का जितना भी वेस्ट है आपका सोसाइटी से इकट्ठा हो के 85% रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि 85% सारा वेस्ट आपका रिसाइकल हो रहा है और सिर्फ 15% आपके लैंडफिल पे जाएगा जो कि लैंडफिल का बर्डन कम करेगा। तो एक 15% का वेस्ट मैनेज करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरा वेस्ट ट्रैवल करें और उसको मैनेज करें। इसी तरह वो 60% उन्होंने हमें बताया कि ग्रीन वेस्ट को भी वो ट्रीट कर रहे हैं, और बाकी जो वेस्ट है जिसमें रिसाइकलेबल्स हैं और ग्लास एंड प्लास्टिक उन सब का भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ उनका इंटरलिंक। यहाँ पे हमने देखा है कि कचरे से एक्चुअली एक रिसोर्स और एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है इंस्टेड के हम उसको ऐसे ही वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपने रिकवरी प्लांट्स लगाए हुए हैं जिससे वो उसको सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर एक इस तरह का और प्लांट लगाया जाए तो वो 20 वर्कर्स को रोज़गार दे सकता है, और इसी तरह अगर 20 वर्कर्स को रोज़गार मिलेगा तो मुख्तलिफ साइट्स पे लगा के जैसे मैदान में भी है इनका और बाकी डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हम एज स्टूडेंट्स एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया कि हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस फैसिलिटी, और अगर इसकी कंडीशन 2 मिलियन तो हम उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।